हेलो वन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे हर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे ऐसा ही मदर सेंट्रिक कंटेंट लाती हूँ जो कि है मदर इन बेबी केयर कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आज का टॉपिक है हाउ टू बी फिजिकली एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ uh, मैं कोई पढ़ाई नहीं की है मेडिकल फील्ड की ये जो आज मैं आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ या मैं अपने चैनल पर कुछ भी शेयर करती हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मेरी प्रेगनेंसी से टिल अब तक और जो भी मैं सीखती जाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी सो so, मेरी या किसी की कोई भी एडवाइस अपने पे इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने गायने से ज़रूर ज़रूर बात करें और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आगे स्टेप्स लें तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते प्लीज़ प्रेगनेंसी का फेज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है बट उसके साथ साथ ही ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे ओवरऑल माइंड पे आप अपने अंदर बहुत सारे चेंज रोज़ फील करते हैं चाहे वो नोज़िया हो चाहे वो आपकी एक चाल बदल जाए चाहे वो आपका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट खाना अचानक से आपको उसे देख के उल्टी आने लग जाए बहुत सारे चेंजेस बहुत सारी चीज़ें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पे दिखती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं फ़िज़िकली एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है आप जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठा रहे हो फ़िज़िकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि आप थर्टी मिनट्स की वॉक भी कर रहे हो अगर आप पूरे दिन में वो भी दस दस मिनट के ब्रेक्स में तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला है तो आप इस चीज़ के लिए स्वेयर कर लो कि जितना आप अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहोगे जितना आप घर का काम हो गया अपनी बॉडी पे ध्यान देना हो गया थोड़ा बहुत योगा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे उतनी ही आपको प्रेगनेंसी में दिक्कतें कम होंगी इवन डिलीवरी और आफ़्टर डिलीवरी भी कम होंगी सो so, अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको जो नोजिया रहता है यानी जो वॉमिटिंग या जी मचलना जिसे बोलते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कम रहेगा मुझे ये चीज़ नहीं पता थी मैंने जो अपना ये जर्नी शुरू करी थी कि थोड़ा वॉक करूं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहूं या अपने पे कॉन्शियसली एफ़र्ट्स डालूं मैं अपने से वो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू की थी दूसरा बेनिफिट है आपकी आ, ये तो सभी बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ा बहुत एक्टिव रहना ज़रूरी है आपको कुछ सर्टेन एक्सरसाइजेज़ है बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी और आप अपने गायने से भी पूछ सकते हैं वो ट्राइमेस्टर वाइज आपको सजेस्ट करेंगी अगर आप एक्सरसाइज करते हो या एटलीस्ट वॉक भी करते हो तो आपकी क्वालिटी और स्लीप बहुत अच्छी होगी आफ्टर प्रेगनेंसी जो वेट गेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ में कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है वो भी चीज़ कम रहेगी और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजिकली एक्टिव रहते हो अपने आप को अपने मसल्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहते हो चाहे वो वॉक करके हो बेसिक 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 एक्सरसाइज पीटी करके हो तो आपको डिलीवरी के टाइम पे भी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी सो so, ये थे फिजिकली एक्टिव रहने के कुछ बेनिफिट्स यहाँ मैं आपको दो तीन चीज़ें सजेस्ट कर दूँ अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप थर्टी मिनट्स लगातार वॉक नहीं कर सकते तो आप टेन मिनट्स ईच के तीन सेट बना लीजिए और सुबह दोपहर शाम ये तीन बारी में आप डिवाइड कर सकते हैं वैसे स्टार्टिंग के फेज़ में इतनी दिक्कत नहीं होती तो आप इसे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ईच का सेट बना के वॉक कर सकते हैं आप बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि योगा प्लाटे अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं बट किसी की गाइडेंस के अंडर uh, साथ ही में कुछ भी नहीं हो रहा तो आप सिंपल वॉक कर सकते हो आप अपने गार्डन में वॉक कर सकते हो अपनी छत पे वॉक कर सकते हो आप इस चीज़ को मेक श्योर sure करना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले के तीन महीने आप ब्रिस्क वॉक ना करो क्योंकि इस टाइम आपका सैक यानी आपका जो बेबी होता है वो बहुत ही छोटा होता है और चांसेस रहते हैं कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है वैसे मुझे लगता है कि ब्रिस्क वॉक तो करनी ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में अगर आप सीधा वॉक भी कर रहे हो तो भी बहुत है और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपनी बॉडी की सुनो बहुत लेडीज़ को ये चीज़ रहती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट बढ़ जाएगा तो वो स्टार्टिंग से ही ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं आप अपने वेट को अपनी लुक्स को एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो दो साल के लिए भूल जाओ पूरे तरीके से अपना मदरहुड का ये फेज़ इन्जॉय करो बॉडी अपने आप अपनी शेप में वापस आ जाएगी और इस चीज़ का सीरियसली मुझे भी बहुत डर था अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं अपनी ओरिजिनल प्री प्रेगनेंसी वाली शेप में वापस आ गई मैं पहले भी ऐसी थी अभी भी ऐसी हूँ वेट मेरा उतना ही था आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी भी फोर्टीन के लूज़ किया है और मैंने पूरे प्रेगनेंसी में कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि मैं बाद में कैसे दिखूँगी या मैं ये ना खाऊँ या मैं ऐसा ना करूँ तो ये एक छोटा सा सजेशन है कि अपनी बॉडी की सुनो अगर आपको लग रहा है कि आप पंद्रह मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते तो एक्सटेंड मत करो जब तक आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती आप जब भी एक्सरसाइज करो तो आप मेक श्योर sure करना कि आपके कपड़े टाइट ना हो बहुत ही लूज़ कपड़े हो आप घर में कर रहे हो तो पजामा वगैरह प्लाजोज़ आप ये सब यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपके पेट पे या आपके पैरों पे आ, इस चीज़ का इलास्टिक का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखने हैं किन केसेस में एक्सरसाइज़ नहीं करनी है अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ है यानी ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है अगर आपके पहले गॉड uh, फॉरवर्ड कोई अबॉर्शन हो चुके हैं या मिस हो चुके हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी अगर आपको आपके डॉक्टर ने मना करा है कोई हेल्थ इशू है कोई प्रॉब्लम है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज के बारे में नहीं सोचना और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही आप अंदर से चाह रहे हो कि मैं करूं बट आपको पता है कि यार मेरे से उठा भी नहीं जा रहा तो एक्सरसाइज प्लीज़ मत करना और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप आई करा रहे हो तो भी एक्सरसाइज मत करना बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं आई करा रही हूँ बट मेरे इम्प्लान्टशन uh, होने के बाद तो सब कुछ नॉर्मल है तो आप ये चीज़ अपनी गायने से डिस्कस कर सकते हो अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी कैसे एक्सरसाइज शुरू करनी है क्या प्रिकॉशन लेनी है और आपके बेनिफिट क्या क्या होंगे अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि एक्सरसाइज कैसे करें या एक्टिव कैसे रहें तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको अपनी पूरी जर्नी को अच्छे से इंजॉय करना है अगर आपकी पूरी जर्नी को आपको अच्छे से एम्ब्रेस करना है एक्टिव रहना है खुश रहना है तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी आपको वो सब खाना पड़ेगा जो शायद आपको उस टाइम पे पसंद ना आए बट आपके लिए बेनिफिशियल है आपको सब कुछ ए टू जेड जो भी आपके डॉक्टर आपके घर वाले आपके वेल विशर्स रिकमेंड कर रहे हैं वो चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपको और आपके होने वाले बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी में हमेशा वीकनेस लथार्जी नोजिया और जो भी दिक्कतें हैं वो दस गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इम्पॉर्टेंट अपने फेज में है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए तो उसे उतनी ही एनर्जी चाहिए मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखी है कि ट्राइमेस्टर वाइज आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए मुझे कोविड भी हो गया था ड्यूरिंग uh, प्रेगनेंसी मुझे एक प्रॉब्लम भी हो गई थी ऑप्स्टेटिक कोलेस्ट्रेटिस आप मेरे चैनल पे देखोगे तो वो तीन वीडियोस हैं और उन तीन वीडियोस में मिला के सेवेंटी फाइव थाउजेंड व्यूज़ हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें हैं कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए और मेरे से ऐसी क्या गलतियाँ हुई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगला पॉइंट है प्रॉपर नींद मुझे पता है मैं ख़ुद भी इस फेस से गुजरे हुई हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत देती है जिसने मुझे दिक्कत दी है वो है नींद नौजिया के टाइम पे या अगर मेरे को बहुत ज़्यादा सोने में डिस्कम्फर्ट होता था मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर से आई गेस फोर्थ ट्राइमेस्टर से प्रेगनेंसी पिलो ले लिया था बट उसके बाद भी कुछ 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 दिक्कत होती रहती हैं कभी ऐसा लगता है अब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे लगता था बेबी का सिर कहाँ है पता नहीं दब ना जाए वो चीज़ें हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं तो अगर आप कोशिश करो आपकी रात को नींद नहीं पूरी हो रही तो आप दिन में लो बट आपको प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि आप सात आठ घंटे की नींद नहीं ले सकते लगातार बट मिनिमम छः घंटे की नींद ज़रूर लो इससे जब आप उठोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करोगे और आप अपने आप ही जब आपकी बॉडी रेस्ट कर चुकी होगी तो अपने आप ही एक्टिव होगी जिससे आप चाहे वॉक हो गई एक्सरसाइज हो गई या एक खुश रहने की जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो आगे बढ़ती जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप तो अच्छी रहेगी और मूड भी साथ में अच्छा रहेगा एक तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहोगे कि पता नहीं मैं प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद कितना वेट बढ़ जाएगा आपको पता है आप जितना कर सकते हो आप उतना कर रहे हो देखो मुझे ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस से समझ आई है कि आप जितना जर्नी को इंजॉय करोगे ना उतनी ही जर्नी आपकी स्मूद अच्छी और बेहतरीन बनती जाएगी बट जितना आप इस चीज़ को दिन गिनते जाओगे मेरे को जब कोलेस्ट्रॉलिस हुआ था मैं बता नहीं सकती रात को दस बजे से ले कर सुबह चार बजे तक मुझे ऐसा लगता था मेरे में कोई माता आ गई है इतनी खुजली इतनी प्रॉब्लम बट जब मैं अगले दिन सुबह नींद पूरी नहीं भी हो पाती थी तो मैं दिन में सो जाती थी बट मुझे ये चीज़ लगती थी कि यार अगर मैं यही रोने लग जाऊँगी कि हाय कब डिलीवरी होगी कब मैं शांत रहूँगी कब छुटकारा मिलेगा तो ऐसे तो मेरे लिए वो टाइम अब जितना टाइम लगना था उतना ही लगा हृदयांशी पूरी 42 टू वीक्स यानी पोस्ट मेच्योर बेबी है तो जितना टाइम लगना था उससे दो हफ्ते फालतू ही लगे अगर मैं एक एक दिन ऐसे नेगेटिव होकर गिनती रहती तो मैं तो पागल हो जाती जितना आप खुश रहोगे जितनी ही आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए मेंटली और फिजिकली काफ़ी अच्छा रहेगा ये तो आप सभी को पता होगा कि जैसे ही आपका टाइम पास आएगा डिलीवरी का यानी जब आपका सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर आता जाएगा तो आपका बेबी एक फुल ग्रोन बेबी हो चुका होगा तो आपकी चाल बदलेगी आपकी स्ट्रेंथ कम होगी आपको बहुत भारी धीरे धीरे फील होने लग जाएगा क्योंकि ये नेचुरल है ये एक प्रोसीजर है तो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक घंटा वॉक कर रहे थे तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में या अपनी सिचुएशन बदलने के बाद आप उतना ही कर पाओगे अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक घंटा कर रहे थे और थर्ड में आते आते आप पंद्रह मिनट कर रहे हो बट अपने आप के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए कि आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम था तो मेरे को जो पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा घर फ्लोर वाइज है तो लिटरली मेरा रोना छूट जाता था जब मुझे ये होता था कि मुझे थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में जाना होगा क्योंकि बॉडी बहुत भारी हो जाती है नींद पूरी नहीं होती बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली चेंजेस चल रहे होते हैं बट अगर आप अपने आप को प्री प्रेगनेंसी और थर्ड ट्रेमेस्टर पर कंपेयर करोगे तो आप नेगेटिव हो गए ही होगे तो जितना आपसे पॉसिबल हो पा रहा है आप उतना ही करो आप एक्सटेंड करने की कोशिश मत करो क्योंकि वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए इवेंचुअली रिस्की हो सकता है ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक पॉइंट है बट अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जिससे आप मेंटली इमोशनली और फिज़िकली फिट रहो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को कन्वीनियंट करती है अब मेरा भी ये थाट था ये जो प्रेगनेंसी पिलो है ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है अब एक थॉट तो मेरा ये था कि यार मैं पच्चीस सौ रुपये एक सिर्फ एक तखिए के लिए ले रही हूँ और वो भी वो जो कि मेरा चार पाँच महीने ही काम आना है बट इवेंचुअली जब मैंने वो लिया मैंने वो यूज़ करा उसके बाद से जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई मैंने हृदयांशी की ब्रेस्ट फीडिंग में भी वो तकिया यूज़ करा है, जो मेरा जापा टाइम था उसमें आपको पता होता है बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है वैसे भी मेरा सिजेरियन था तो मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए होता था हृदयांशी को बैठ के फ़ीड कराने के लिए और स्टार्टिंग में आप बच्चे के साथ लेट नहीं सकते तो तब मैंने वो पिल्लो बहुत ज़्यादा यूज़ करा है तो मेरा जो प्रेगनेंसी पिलो है वो शायद पच्चीस सौ रुपये क्या अगर वो दस हज़ार का भी होता तो मेरा वो वर्थ था उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कंजूज हो रही थी अपने लिए कि यार ये चीज़ें क्या वर्दी हैं मतलब हमें क्या ये चीज़ें लेनी चाहिए बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ये तखिया या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा कन्वीनियंट करती है जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी पिलो नहीं लेते तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो लो और अगर आपको नेक में दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका पॉस्टर पूरा बदल जाता है तो सर्वाइकल के जो आते हैं आप वो ले सकते हो जब मैंने प्रेगनेंसी पिलो ले लिया था तो मुझे पता चला था कि मुझे यहाँ पर सर्वाइकल की दिक्कत होने लग गई है बट मेरा उससे वो काम चल रहा था यू शेप का मेरा प्रेगनेंसी पिलो तो उसके अलावा कहीं पे मेरे पास जगह भी नहीं थी कि मैं वो सर्वाइकल का पिलो भी परचेज़ करके यूज़ करूँ सो so, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया बट ये मेरा सजेशन है पर्सनली सजेशन है आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा करके कन्वीनियंट बना सकते हैं तो क्यों ना हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आपको प्रेगनेंसी पे लो या जो मैंने प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ब्रायक स्टेंडर था मोमी जीन्स थी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने नौ महीने में यूज़ करी हैं जिससे मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी ईजी हुई है इसकी मैंने वीडियो बनाई है और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो so, आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपके कोई भी कमेंट्स आपके आपके कोई भी सजेशन कोई भी रिक्वेस्ट कोई भी बात आपको मेरे साथ शेयर करनी हो नेगेटिव पॉजिटिव आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी हृदयशी की इंस्टाग्राम आई डी आपको यहाँ पे दिख जाएगी साथ ही में लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैं अब एक्टिव हो रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी बिकॉज़ अभी हिजानशी टीथिंग बेबी थी तो वो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम डिमांड करती थी तो मैं धीरे धीरे यूट्यूब में और अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी वापस आ रही हूँ तो मेक श्योर sure आप मुझे वहाँ फॉलो करो अगर आपको कोई भी सजेशन uh, मुझ तक पहुँचाना है तो आप दिल खोल के मैसेज कॉमेंट कुछ भी कर सकते हो मैं कोशिश करूँगी मैं आपके जवाब आप दूँ मैं इस टाइम पर वीडियोज़ बहुत ज़्यादा कम डाल रही थी इवन मैं बहुत टाइम से गायब थी चैनल पर बट अब मैं वापस आ गई हूँ तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू मैसेजेस के लिए इतनी पेशेंस के लिए और मैं हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इस चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट ला रही हूँ अब शुरू कर दिया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ये लगता है कि ये किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करो और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू और बाय